नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक बहादुर पैरा स्पेशल फोर्स के ऑफिसर की, जिनका नाम शायद हर कोई डिफेंस एस्पिरेंट जानता हो। आज के वीडियो में हम जानेंगे कैप्टन पवन कुमार के बारे में। कैप्टन पवन कुमार की जब शहादत हुई थी वो महज 23 साल के थे। सेना ज्वाइन किए हुए उन्हें 3 साल ही हुए थे। शहीद कैप्टन पवन कुमार का सेना में जाना महज इत्तेफाक ही नहीं, शायद किस्मत ने पहले ही तय कर लिया था कि पवन का जीवन सेना और देश के लिए है। 15 जनवरी 1993 को जब पूरा देश आर्मी डे मना रहा था, बॉर्डर पर तैनात जवान अपने पुराने साथियों और उनकी कुर्बानी को याद कर रहे थे। ऐसे समय में हरियाणा के जिंद में एक हेडमास्टर राजवीर सिंह के घर पवन कुमार का जन्म हुआ। 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद पवन कुमार ने नेशनल डिफेंस अकेडमी का एग्जाम दिया एंड SSP इंटरव्यू पास किया और ट्रेनिंग के लिए अकेडमी चले गए। 3 साल नेशनल डिफेंस अकेडमी खड़कवसला से ट्रेनिंग करने के बाद पवन कुमार उत्तराखंड स्थित भारतीय सेना अकेडमी यानी कि IMA में प्रशिक्षण के लिए गए। 14 सितंबर साल 2013 को वो सेना में कमीशन्ड हुए, जिसके बाद उन्होंने 10 पैरा SF को ज्वाइन किया। कैप्टन पवन कुमार को सेना ज्वाइन किए हुए महज 3 साल ही गुजरे थे, लेकिन इस समय तक उन्होंने 3 खतरनाक ऑपरेशन को अंजाम दिया। कैप्टन बहुत ही होशियार और शारीरिक रूप में चुस्त दुरुस्त थे। उनमें अदम्य साहस, बहादुरी और शौर्य कूट कूट कर भरा था। 20 फरवरी 2016 की शाम जम्मू कश्मीर में पुलवामा जिले के पंपोर्क में आतंकियों ने एक बिल्डिंग पर अपना कब्जा कर लिया। आतंकियों ने यहां काम करने वाले नागरिकों को बंदी बना लिया। कैप्टन पवन कुमार को जब ऐसी सूचना मिली, वो अपने साथियों के साथ रणनीति बनाकर तुरंत मौके पर भागे। पवन कुमार की रणनीति साफ थी, पहले किसी भी तरह से फंसे लोगों को बचाया जाए, उसके बाद आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिए जाए। रणनीति के तहत कैप्टन पवन ने वहां फंसे लोगों को सकुशल बाहर निकाला, उसके बाद आतंकियों की घेराबंदी करते हुए गोलीबारी शुरू हो गई। कैप्टन पवन अपनी टीम को फ्रंट से लीड कर रहे थे। एक बेहतरीन दिलेर सैन्य अफसर की यही पहचान होती है, जो गोलियों की बौछार के बीच देश को बचाने के लिए टीम का नेतृत्व करता है। मुठभेड़ के दौरान अचानक आतंकियों की एक गोली पवन कुमार के सीने पर लगी। आनन फानन में कैप्टन को सैन्य वाहन से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां वह शहीद हो गए। इससे पहले 23 जनवरी को पवन कुमार पुलवामा में एनकाउंटर के दौरान घायल हुए गए थे, वो भी उनके जन्मदिन के ठीक 5 दिन बाद। एनकाउंटर में गोली लगने के बाद कैप्टन पवन को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सेना ने 2 हफ्तों की मेडिकल लीव पर घर जाने को कहा। इसके बावजूद पवन ने मना कर दिया और कमांडो टीम को ज्वाइन किया। ये थी कैप्टन पवन की बहादुरी। उन्होंने गोली लगने के बावजूद छुट्टी लेने से मना कर दिया और गोली लगने पर घायल होने के बाद भी वो घर नहीं गए। अपने कमांडो टीम के साथ उन्होंने ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दी। इसके ठीक एक महीने बाद 21 फरवरी 2016 को पंपोर में आतंकियों से लड़ते हुए कैप्टन पवन शहीद हो गए। कैप्टन पवन कुमार ने अपनी आखिरी फेसबुक पोस्ट पर JNU और जाट आंदोलन का जिक्र किया था। उन्होंने पोस्ट में लिखा था कि किसी को रिजर्वेशन चाहिए और किसी को आज़ादी, भाई हमें तो कुछ नहीं चाहिए, हमें चाहिए रजाई। मैं आशा करती हूँ कि कैप्टन पवन कुमार की ये स्टोरी आपको भी इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के लिए मोटिवेट किया होगा। दोस्तों, अगर आप डिफेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को चेक करना ना भूलें। ये कोर्सेज आपको आपके डिफेंस रिटन एग्जाम्स क्रैक करने में हेल्प करेगा और इन कोर्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप हमारी लर्निंग ऐप SSB क्रैक एग्जाम्स को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर लेटेस्ट अपडेट डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर SSB क्रैक एग्जाम्स चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।